देखो, फोर्स में, फोर्स चैप्टर में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आज का टॉपिक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हैंड रिटन शीट नंबर 36, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं 36 नंबर शीट का प्रिंट आउट लेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देखो इसके अंदर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर मोमेंटम क्या था? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, एंड मोमेंटम का सिंबल क्या था? पी। ठीक, और डेफिनेशन क्या थी? अमाउंट ऑफ मोशन पोजेस बाय द बॉडी इज लीनियर मोमेंटम। इसको लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। लीनियर का मतलब मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर यहां तक? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहां पे लगेगा? ये आइसोलेटेड सिस्टम पे लगेगा। जब आपको याद होगा प्रूव दैट न्यूटन सेकंड लॉ, रियल लॉ ऑफ मोशन हमने किया था, उसमें इसको डिस्कस भी किया था व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स को क्या अप्लाई किया जाता है? जीरो। तो जिस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है उसको आइसोलेटेड सिस्टम बोला जाता है। जैसे एक बुलेट चली और गन पीछे आई, तो इनके अंदर मैंने ट्रिगर दबा के छोड़ दिया तो बुलेट आगे गई, उसके अंदर एनर्जीज होती हैं जो गन को पीछे लेके आएगी। तो बुलेट आगे जब जाएगी तो उसमें उसने एक्शन लगाया, उसके रिएक्शन में गन पीछे आई। ना तो मैंने बुलेट पे फोर्स लगाई ना मैंने गन पे फोर्स लगाई, दोनों पे नहीं लगाई। तो इस केस में नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे? गन और बुलेट की आइसोलेटेड सिस्टम। पहला पॉइंट क्लियर है? हाँ, अगर मैं बुलेट पे जाके फोर्स लगाता, अपनी मर्जी से उसको घेरता, गन को अपनी मर्जी से पीछे घेरता या आगे घेरता, तो फिर वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं था। पहला रूल। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था वो बॉल्स वाला, कोलिजन हो रही है, टक्कर हुई दो बॉल्स की, टक्कर होके वो अपने आप रिबाउंड करके चली गई। तो मैंने कहा था कि बॉल्स अपने आप आ रही हैं विद सम वेलोसिटीज, टक्कर हो रही है, एक्शन रिएक्शन हो रहा है और अपने आप वापस जा रही हैं। तो इसके अंदर ऐसा नहीं हो रहा कि मैं उन बॉल्स पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, अपनी मर्जी से उनको पास लेके, अपनी मर्जी से उनको दूर लेके जा रहा हूं। अगर मैं अपनी मर्जी से पास और दूर लेके जाता तो मैं दोनों बॉल्स पे क्या लगाता? एक्सटर्नल फोर्स। पर मैंने नहीं किया, अपने आप एक्शन रिएक्शन है, तो दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। तीसरा एग्जाम्पल सुनो, जैसे एक बॉम्ब है, बॉम्ब पड़ा था, बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया, मान लो दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा इधर गया दूसरा इधर आया। देखो बॉम्ब के टुकड़े मैंने नहीं किए, या तो ना मैंने बॉम्ब को तोड़ा, एक पीस अपनी मर्जी से यहां फेंक दिया दूसरा यहां फेंक दिया, ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम थोड़ी ना है। इस पे तो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। बॉम्ब एक्सप्लोजन में एक टुकड़ा इधर जाता है एक्शन, तो दूसरा क्या क्या जनरेट करता है? रिएक्शन। बॉम्ब के जब दो टुकड़े होते हैं कभी नहीं ऐसा होता दोनों बॉम्ब के टुकड़े आगे चले गए, एक आगे जाएगा तो दूसरा पीछे ही आएगा, एक्शन रिएक्शन। कोई डाउट इसमें? तो ये भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है, बॉम्ब का एक्सप्लोड होना। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऐसे और कौन कौन से सिस्टम है, क्योंकि मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि आइसोलेटेड है कि नहीं? तो इसके लिए आज मैं आपको कुछ लिस्ट करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जो किस कैटेगरी में आते हैं अंडर आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, वो जो लिस्ट होगी वो लिस्ट है जो आने वाले टाइम में, मतलब हमें ये ना सोचना पड़े कि आइसोलेटेड है कि नहीं, या उल्टा बोल लो जितने क्वेश्चंस यूज होने हैं इस साल वो एक लिस्ट की फॉर्म में मैं आपको करवाने जा रहा हूं, तो बस वहीं से हमारा काम चल जाएगा। तो हमें ये बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आइसोलेटेड सिस्टम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। लेकिन इसके लिए पहले एक फॉर्मल अप्रोच है, आपके स्कूल के अंदर लिखो फॉर एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट, आपके स्कूल में ये क्वेश्चन आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है कि लॉ ऑफ व्हाट स्टेट व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वो पूछेगा व्हाट इज, एक्सप्लेन व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक, वो एक्सप्लेनेशन मांगेगा। तो देखो क्या करना है इसमें, मैंने शायद ये पहले बताया था आपको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के प्रूफ में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये बोलता है इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम तो उसका मोमेंटम क्या रहता है? कॉन्स्टेंट। नहीं तो अब देख लो, क्योंकि फोर्स किसी भी सिस्टम पे क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और अगर
अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो पी क्या रहेगा इसमें, कांस्टेंट। तो इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इसको समझाने का तरीका और एक्सप्लेन करने का तरीका, डेफिनेशन देखो, आपने ऐसे लिखना है व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, लिख लोगे। तो जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करेगी और किस पे, सिस्टम ऑफ सेवरल इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, वैसे सिस्टम भी लिखा जा सकता है पर लिख दोगे तो कोई हर्ज नहीं है, इंटरैक्टिंग पार्टिकल। जैसे मेरे सिस्टम में एक गन है और एक बुलेट है, तो मेरे सिस्टम में सिर्फ दो पार्टिकल्स हैं, एक गन और एक बुलेट। बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ दो हिस्सों में तो उसमें दो पार्टिकल्स हैं, तीन हिस्सों में फट गया होता तो तीन पार्टिकल है, एन हिस्सों में फटता तो एन पार्टिकल्स हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस पे लगाने जा रहे हो। हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ज्यादातर दो बॉडीज पे लगता है, हद से तीन में लग जाएगा बस, इससे ऊपर नहीं, दो या तीन तक ही चलता है। क्लियर है यहां तक? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर व्हेन नो फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम ऑफ सेवरल इंटरैक्टिंग पार्टिकल, कितने भी हो सकते हैं पर उस पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व। तो बोल तो दिया व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग तो पी इज अ कांस्टेंट। क्लियर है यहां तक? लिख लोगे डेफिनेशन। उसके बाद टोटल लीनियर मोमेंटम को डिफाइन किया। टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होता है? टोटल लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर सम ऑफ, देखो जो मोमेंटम होता है वो फोर्स की तरह क्या होता है, एक वेक्टर होता है, ये स्केलर नहीं होता प्लीज, ये वेक्टर होता है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी इज सम ऑफ, वेक्टर सम ऑफ, सॉरी वेक्टर सम अंडरलाइन कर लेना, वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटा। हम ना बहुत सारे पार्टिकल के मोमेंटम को मोमेंटम्स नहीं बोलते, मोमेंटा बोलते हैं, रेडियसिस नहीं बोलते, रेडियाए बोलते हैं, वैसी मोमेंटा मतलब प्लूरल है। तो बहुत सारे मोमेंटम, वेक्टर सम ऑफ ऑल द मोमेंटम्स या मोमेंटा ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम, मतलब कि अगर सपोज करो आपके पास एक एक बुलेट है और जिसका मोमेंटम ये रहा, एक गन है जिसका मोमेंटम ये रहा, तो टोटल मोमेंटम विल बी इक्वल टू बुलेट का मोमेंटम प्लस वेक्टर का मोमेंटम। बस वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है, वेक्टर लगाना मत भूल जाना, क्योंकि जिन क्वांटिटीज को ऐड करना होता है और वो वेक्टर होती हैं तो उसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन चलता है। ऐसे मत कर देना दो मोमेंटम चार मोमेंटम, दो प्लस चार छः हो गया, डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी कि मोमेंटम में क्या डायरेक्शन है, बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक। तो अब इस केस में मैं इसको करके दिखाता हूं इसका मतलब क्या है। जैसे जैसे इस टॉपिक में देखते हैं, डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डराइव करेंगे फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को यूज करके इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये सारा लिख के आना है आपने जब तीन नंबर में आएगा। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है, कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम, और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, दिस सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स। तो एक ऐसा सिस्टम लिया जाए जिसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं। तो दो पार्टिकल तीन होते हैं चार होते हैं, n ले लिया उसने इन जनरल। तो सपोज n पार्टिकल हैव मासेस m1 m2 m3 अप टू mn, हर के डिफरेंट मासेस हो सकते हैं, हर कोई अपनी अपनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बुलेट अपनी, गन अपनी या जो भी है, तो हैविंग वेलोसिटी v1 v2 v3 अप टू vn। तो टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होगा, पहले पार्टिकल का मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 वेक्टर, दूसरे का m2 v2 वेक्टर, m3 v3 mn vn वेक्टर, वेक्टर सम होगा, ऐसे नहीं ऐड करना, वेक्टर सम होगा। क्लियर यहां तक? और टोटल मोमेंटम को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बाय p वेक्टर। तो p वेक्टर इज वेक्टर सम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम वेक्टर, सेकंड का, थर्ड का एंड n का। क्लियर यहां तक? तो इसके अंदर इसको लिख सकते हैं p1 वेक्टर, इसको लिख सकते हैं p2 वेक्टर, इसको लिख सकते हैं pn वेक्टर। तो टोटल मोमेंटम वेक्टर इज p1 वेक्टर p2 वेक्टर अप टू pn वेक्टर। कोई डाउट इसमें? तो ये वो बोल रहा था कि टोटल मोमेंटम क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल मोमेंटम्स होंगे। क्लियर यहां तक? आगे मान लो f वेक्टर इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। इस पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स f है और न्यूटन का सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली f क्या होता है, dp/dt। तो अगर ये टोटल फोर्स है तो टोटल मोमेंटम है, तो टोटल मोमेंटम पूरे सिस्टम का कितना है, p, तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स कितनी है, f। अब मुझे पता है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम f क्या होता है, जीरो, तो p को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट।
लेकिन p किसके इक्वल है, p1 p2 p3 का वेक्टर सम एंड इन टोटल सम इज इक्वल टू कांस्टेंट। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो आप ये लिख लोगे यहां तक। तो जब भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आएगा, आपने पहले डिफाइन करना है, डिफिनेशन के बाद इसी तरीके से लिखना है, कंसीडर एन नंबर ऑफ पार्टिकल हैविंग मासेस m1 m2 वेलोसिटी v1 v2। ऐसे मत लिखना f इज इक्वल टू dv/dt, f इज 0, p इज अ कांस्टेंट। फिर ये मत कहना कि तीन नंबर में मिले। तो प्लीज थोड़ा सा एक स्टाइल है एक एनसीईआरटी का पेपर अटेम्प्ट करने का, और ये स्टेप मैं जान के ऐसे लिख के लाया हूं ताकि आपको स्टेप समझ में आए कि कैसे आपको स्टेप्स को इंक्रीज कर रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो लिख लोगे यहां तक अगर क्वेश्चन आएगा, ठीक। अच्छा नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स, अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फिर से क्या प्रूव करने वाले हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहां से? अब न्यूटन्स थर्ड लॉ से। पहले किससे किया था? न्यूटन्स सेकेंड लॉ से, ठीक। अगर कुछ नहीं मेंशन होगा तो प्लीज रियल लॉ को यूज करना, दैट इज सेकेंड लॉ। पेपर में मेंशन नहीं होता, सेकेंड लॉ से करना चाहिए, पर मेंशन होगा थर्ड लॉ से भी कर देते हैं। थर्ड लॉ में डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन में एग्जांपल लेते हैं। हमने पहले भी ऐसा एग्जांपल लिया था कि अगर दो बॉल्स हैं m1 मूविंग विद u1, सेकेंड बॉल m2 मूविंग विद u2, तो ये इसे मान लो कोलाइड करेगी, टक्कर हो गई फॉर एन इंस्टेंट। जब टक्कर हुई तो एक्शन रिएक्शन फोर्स लगी, हमने ये न्यूटन सेकेंड लॉ रियल लॉ में प्रूफ सेम डायग्राम बनाया था। टक्कर के टाइम ये इसका नाम लिखो ए, इसका नाम लिखो बी, ए बी बॉल्स हैं, ये पहली वाली ए दूसरी वाली बी, ये ए और ये बी। तो ए बॉल पे फोर्स लगी, किसने लगाई? बी ने लगाई। बी बॉल पे फोर्स लगी, किसने लगाई? ए ने लगाई, राइट। पढ़ना आ गया इसे, ए पे फोर्स लगी बी ने लगाई, बी पे फोर्स लगी ए ने लगाई, एक्शन रिएक्शन। और फिर टक्कर होने के बाद ये फिर चल पड़ी, ये तो फॉर एन इंस्टेंट है, टक्कर होती सेपरेशन हो गई और फाइनल वेलोसिटी v1 एंड v2 हो गई। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? नेक्स्ट है, अब मैंने लिख दिया, ऐसे लिखना होता है आपको, f ऑफ ab का मतलब फोर्स एग्जर्टेड बाय b ऑन a, a के ऊपर फोर्स लगी b ने लगाई, b के ऊपर फोर्स लगी a ने लगाई। अब थर्ड लॉ क्या कहता है? एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। तो ये फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होगी। डायरेक्शन के लिए साइन क्या लगता है वेक्टर में? माइनस। इसको एक काम करो, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि फोर्स इनटू टाइम क्या होता है? इंपल्स। तो ये ए बॉल की बात हो रही है, तो स्मॉल इंपल्स किसका आ गया? ए का। और ये इंपल्स किसका आ गया? बी का। तो दोनों के इंपल्स सेम है। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है? इंपल्स इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो ये इंपल्स किसका है? ए का। ए का चेंज इन मोमेंटम देखें, टक्कर से पहले ए बॉल का मोमेंटम कितना है? m1 u1, और टक्कर के बाद मोमेंटम कितना है? m1 v1। तो बोलो चेंज इन मोमेंटम कितना? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम कितना? m1 v1। इनिशियल मोमेंटम कितना? m1 u1। सेकेंड बॉल का चेंज इन मोमेंटम बोलो, फाइनल मोमेंटम m2 v2, इनिशियल मोमेंटम m2 u2। तो पुट करें तो ए बॉल का, पहली बॉल का चेंज इन मोमेंटम m1 v1 माइनस m1 u1, m1 v1 वेक्टर में माइनस m1 u1 वेक्टर में, क्योंकि वेक्टर चल रहा है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, पहली बॉल का चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम फर्स्ट बॉल का। फिर उसी तरीके से इंपल्स बी का, इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम किसका? बी का। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? m2 v2 वेक्टर माइनस m2 u2 वेक्टर। ये स्टेप समझ में आया? माइनस साइन से ओपन कर दो, ये माइनस हो गया और ये टर्म प्लस हो गई। ब्रैकेट ओपन किया, इसमें ब्रैकेट ओपन करके एक काम करते हैं, v1 और m1 सॉरी v फाइनल वेलोसिटीज v1 और v2 हैं, तो v1 v2 वाली टर्म्स एक तरफ, u1 u2 वाली टर्म्स एक तरफ, रीअरेंज किया तो आप चेक कर सकते हो, दिस इज द टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन दोनों बॉल्स का। मतलब कि ये दोनों बॉल्स मूव कर रही थी, मतलब ये जो दोनों बॉल्स हैं ये मूव कर रही हैं, m1 मूविंग विद u1, m2 मूविंग विद u2, आफ्टर कोलिजन m1 विद v1 एंड आफ्टर कोलिजन m2 विद v2, ये सिचुएशन है। तो ये बताओ टक्कर होने से पहले टोटल मोमेंटम इन दोनों का कितना है? m1 u1 प्लस m2 u2, और टक्कर होने के बाद टोटल मोमेंटम कितना है? m1 v1 प्लस m2 v2। और लॉ ये बोलता है
टोटल मोमेंटम टक्कर होने से पहले, टोटल मोमेंटम टक्कर होने के बाद विल रिमेन सेम, सेम का मतलब कांस्टेंट। तो आप चेक कर सकते हो, चाहे बीच में कोलिजन हो गई फिर भी टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। कोई डाउट इसमें? तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन विल रिमेन सेम। तो याद रखना, कोलिजन इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, तभी तो टोटल मोमेंटम टक्कर होने से पहले और बाद में एग्जैक्टली क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। कोई डाउट इसमें? इसमें न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। न्यूमेरिकल में जैसे ये आ जाता है कि सपोज करो ये मास 1 kg, ये मान लो 1 kg की बॉल है, 1 kg की बॉल है मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 m/s, ठीक 10 m/s। ये भी 1 kg की बॉल है मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 2 m/s। सपोज करो ये 1 kg की बॉल और 1 kg की बॉल अगेन सेम, इसकी वेलोसिटी अगर 3 m/s है तो क्वेश्चन है इसकी वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर कोलिजन। नाइन। रूल क्या लगेगा? किसी भी कोलिजन में सम ऑफ मोमेंटम टोटल कितना, इसका मोमेंटम कितना है टक्कर से पहले 1 × 10, इसका मोमेंटम कितना है 1 × 2। तो टोटल मोमेंटम आ गया, तो टोटल मोमेंटम कितना आ गया 12, इसका मोमेंटम टक्कर के बाद कितना है 1 × 3, और इसका मोमेंटम कितना है 1 × V2। तो ऑब्वियसली V2 की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ रही है 9। तो रूल समझ में आ रहा है कि न्यूमेरिकल्स, देखो थ्योरी में लगाना अलग है, न्यूमेरिकल में किसी और तरीके से लगता है। हाँ, इंडिविजुअल मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये नहीं कि इसका मोमेंटम टक्कर से पहले 1 × 10 10 और इसका 1 × 3 नहीं, अलग हो गया। इंडिविजुअल नहीं कांस्टेंट होगा लेकिन टोटल कांस्टेंट होगा। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक कि टोटल मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? टक्कर होने से पहले टोटल मोमेंटम, टक्कर होने के बाद टोटल मोमेंटम की वैल्यू क्या रहेगी एग्जैक्टली सेम। ठीक है यहां तक? तो हमने इसमें थर्ड लॉ यूज किया और थर्ड लॉ को यूज करके हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव किया। कॉन्स्टेंट आपके सामने। नेक्स्ट एनसीईआरटी में आ सकता है डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब किसको डराइव करना है? थर्ड लॉ को। किसकी हेल्प से? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हेल्प से। इसे पहला टॉपिक क्या था? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव करो विद द हेल्प ऑफ थर्ड लॉ। इसमें उल्टा है, कुछ भी नहीं करना, एक लाइन में हो जाएगा। कैसे? कि सपोज करो कंसिडर, ये ना लिखा करो अपने सॉल्यूशंस में, जब आप लिखोगे एनसीईआरटी में, कंसिडर टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 m2, दो चार लाइनें लिखनी है इसमें। कंसिडर टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 m2 मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड कोलाइडिंग विद ईच अदर, वही टक्कर हो रही है आपस में। तो डेल्टा p1 का मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ m1, डेल्टा p2 का मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ m2, और टोटल मोमेंटम का सम, चेंज इन मोमेंटम का सम हमेशा जीरो आएगा कोलिजन में। कोई समझा सकता है कैसे? समझ में आ गया? देखो ऐसे, फर्स्ट बॉल का मोमेंटम बोलो कितना था टक्कर से पहले, 1 × 10 10, फाइनल कितना हो गया 1 × 3 3, 10 − 3 कितना हुआ 7, इसका 7 का लॉस हो गया, कम हो गया ना, लॉस हो गया। इधर देखें 1 × 2 2 और 1 × 9 9, इसको गेन हो गया मोमेंटम में, 2 से 9 हो गया, 7 का फायदा हो गया। तो यानी कि एक बॉल का नुकसान दूसरे बॉल का फायदा, तो नुकसान फायदा बराबर, टोटल सम इज इक्वल टू 0, लॉस एंड प्रॉफिट का 0। सही है यहां तक? तो मोमेंटम रहेगा तो इन दो बॉडीज के बीच में, किसी को फायदा होगा किसी को नुकसान होगा। तो पहली बॉल का डेल्टा p1, सेकेंड बॉल का डेल्टा p2, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, आएगा सम 0। ये स्टेप क्लियर है? तो इसको राइट साइड पे ले गए, ये रहा माइनस साइन, ये शो कर रहा है कि एक फायदा एक नुकसान है, और टाइम डेल्टा टी से दोनों साइड्स को डिवाइड कर लिया। अब मुझे समझ में आता है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम को फोर्स बोलते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ ये बोलते हैं ना, फोर्स है। दिस इज फोर्स ऑन मास m2, क्योंकि p2 चल रहा है तो m2, और दिस इज फोर्स ऑन मास m1, इसको क्या बोलेंगे एक्शन, तो इसको क्या बोलेंगे रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। तो न्यूटन का थर्ड लॉ बाहर आ गया।
पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, ये तरीका तो है, मेथड तो है स्कूल का। स्कूल में दो दो तीन तीन नंबर के क्वेश्चन ऐसे डेविएशंस आती हैं, थ्योरी आती है। अब एक काम करना है, शीट नंबर 32 ये मिली हुई है आपको, शीट नंबर 32, जिनको रिकॉर्डिंग में नहीं मिली वो प्रिंट आउट लेंगे, 32 कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये शीट चेक करो एक बार, पहले मिली होगी लास्ट से लास्ट लेक्चर में, आज नहीं मिली, दो लेक्चर पहले मिली होगी, एक बार चेक करो। ये 32 थी, मेरी सिस्टम में 32 है, तो रिकॉर्डिंग लेने वाले 32 ही लेंगे। ओके, चलो जब तक ये शीट आती है तब तक शुरू करते हैं। अब एक काम करते हैं, अभी तक हमने
थ्योरी में किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हमें लगाना नहीं आया अभी न्यूमेरिकल में सिवाय इस क्वेश्चन को छोड़ के। प्रैक्टिकली इसको लगाना कैसे है इसको देखते हैं, फिर मैं आपको एक शीट दूंगा जिसमें आप अभी लगाओगे और आंसर निकालोगे। तो सबसे पहले इसको, ये एक्चुअली कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से शीट बनी हुई है कि फटाफट बस ये समझाना कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर एफ इज डी पी बाई डी टी, इफ एफ इज जीरो तो पी इज अ कॉन्स्टेंट, बस। लेकिन एक्चुअल में इसके पीछे स्कूल की जो थ्योरी है वो मैंने आपको लिखवा दी क्या है, ले लो ये शीट किसके पास नहीं है। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है जो कि मैंने क्या लिया, गन और बुलेट। तो गन और बुलेट के ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे चलेगा इसको देखते हैं। ये शीट ले लो प्लीज जिसके पास नहीं है, यहां से मिल गई इधर से। ठीक, ओके, इधर से इधर से। ले ले भाई, देखो गन और बुलेट के केस को बड़े ध्यान से देखना प्लीज। सपोज एक गन है और एक बुलेट है, बुलेट का मास M1 है, गन का मास M2 है, अभी गोली चली नहीं, दोनों रेस्ट पे पड़े हुए हैं। तो एक गन और एक बुलेट, तो इसका मास M1, इसका मास M2, गोली चली नहीं, दोनों रेस्ट पे हैं। तो अगर ये दोनों रेस्ट पे हैं तो गोली चलने से पहले लीनियर मोमेंटम, गोली चलने के बाद लीनियर मोमेंटम सेम है। क्यों? क्योंकि मैंने इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई, इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो मैंने जाके बुलेट के ऊपर टच नहीं किया, ना मैंने गन को टच किया, ऑब्वियसली मैं कोई फोर्स ना लगा रहा हूं उनको मूव करवाने के लिए, तो ये एक्शन लगाएगा, दूसरा रिएक्शन लगा रहा है, ऐसे ही है इस केस में। तो इस केस में जब एक्शन रिएक्शन इक्वल है, इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बिकॉज इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। लगाना कैसे है ये ध्यान से देखो, गोली चलने से पहले टोटल मोमेंटम, गोली चलने के बाद टोटल मोमेंटम सेम। गोली चलने से पहले बोलो गोली का, गन का मोमेंटम क्या, जीरो, और बुलेट का मोमेंटम भी क्या, जीरो, दोनों रेस्ट पे थे। ठीक है यहां तक? अब देखो, अब बुलेट ने मोमेंटम कितना जनरेट किया, M1 V1, तो गन को मोमेंटम जनरेट करना ही पड़ेगा M2 V2 इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ताकि अगर इनका प्रोडक्ट मान लो 10 है तो गन का मोमेंटम का प्रोडक्ट भी 10 होगा, ताकि 10 और 10 आपस में माइनस के साथ क्या हो जाए, कैंसल, और लेफ्ट और राइट इक्वेशन बराबर आ जाए। देखो तभी बात बनेगी जीरो, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर बुलेट आगे जा रही है तो गन को पीछे आना ही पड़ेगा, ताकि दो वेक्टर आपस में, एक आगे पीछे, आपस में कैंसल होकर नेट आंसर क्या दें, जीरो, क्योंकि उनका इनिशियल मोमेंटम क्या था, जीरो। तो कैसे लगाने समझ में आ रहा है कि गोली चलने से पहले टोटल मोमेंटम, गोली चलने के बाद टोटल मोमेंटम की वैल्यू सेम, पहला स्टेप क्लियर है। फिर आपने छोटी क्लास में किया हुआ है M1 V1 M2 V2, वो इनकम्प्लीट की है, आपको ये सिखाया जाता है, घटाया ही जाता है, उसमें लगा देना M1 V1 M2 V2, लेकिन रियलिटी ये है ऐसा हो रहा है कुछ। ठीक है यहां तक? वेक्टर फॉर्म में, ये मेथड नंबर 1 है, न्यूमेरिकल में ऐसा चलता है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो बुलेट और गन दोनों का मोमेंटम जीरो, बुलेट का आगे जाने का मोमेंटम M1 V1 वेक्टर, और आज हमने क्या सीखा, टोटल लीनियर मोमेंटम इज वेक्टर सम ऑफ ऑल दी इंडिविजुअल मोमेंटम। वेक्टर सम में क्या होगा, M1 V1 वेक्टर, M2 V2 वेक्टर, कोई नेगेटिव साइन नहीं, कुछ नहीं लगाना, क्योंकि वेक्टर्स अपने आप डायरेक्शन सेटल करेंगे। तो आप इसे यहां लेके आओगे M1 V1 वेक्टर माइनस M2 V2 वेक्टर, माइनस साइन वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन में क्या शो करता है, डायरेक्शन इज ऑपोजिट। तो एक मोमेंटम का अगर डायरेक्शन राइट है तो दूसरे मोमेंटम की डायरेक्शन लेफ्ट है। पर स्केलर में भी ठीक है, स्केलर में समझ में आ ही रहा है कि यहां पर ये जीरो करने के लिए जितनी क्वांटिटी का ये होगी उतनी क्वांटिटी ये होगी विद माइनस साइन। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है? नहीं लगा रहे बुलेट, नहीं लगा रहे? अच्छा वो कैसे मूव किया? नहीं, वो उसका गन का अपना मैकेनिज्म है, एनर्जी स्टोर करके रखते हैं उसमें। हम नहीं लगा रहे, मेरा हाथ नहीं लगा रहा, मैंने नहीं टच किया। और अगर बुलेट, बुलेट चली जितनी जोर की चलेगी, गन उतनी जोर की पीछे भी तो आएगी, तो एक्शन वो उसी का रिएक्शन है ना, मैंने जाके तो गन को पीछे नहीं किया ना। तो अगर मैं पीछे करता तो आइसोलेटेड सिस्टम है, नहीं होता
भाई, तो आइसोलेटेड है तो अपने आप ही उसके रिएक्शन से पीछे हो गई। ठीक, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये कैसे लगेगा, समझ में आ रहा है? ठीक, जैसे अगर किसी न्यूमेरिकल में बॉम्ब एक्सप्लोजन आ जाए, ध्यान आ गए, बॉम्ब का एक्सप्लोजन आ गया। अब बॉम्ब का एक्सप्लोजन में क्या होता है, बॉम्ब पड़ा हुआ था, बॉम्ब के दो टुकड़े हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, 400, 4000 जितने मर्जी हो, पर हम अपना एग्जाम्पल दो से स्टार्ट करते हैं। बॉम्ब क्योंकि रेस्ट पे पड़ा हुआ था, उसके मान लो दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा आगे गया तो दूसरा गारंटेड पीछे ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों हिस्से आपकी तरफ चले गए, मेरी तरफ कोई भी नहीं आया, तो एक आगे गया तो दूसरा पीछे ही आएगा। कभी कभी तो दिवाली का बुलेट बॉम्ब चलाओ ना अगर, तो पत्थर सा लगता है बड़ी जोर की आके पीछे को, वो एक्चुअली यही होता है, क्योंकि एक टुकड़ा आगे गया तो उसको कंजर्व करने के लिए दूसरा टुकड़ा पीछे ही आएगा। उसका रीजन, बॉम्ब के अंदर मान लो दो टुकड़े थे, इसके दो टुकड़े करने, अभी किस पे पड़े हुए हैं जब एक्सप्लोड नहीं हुआ, रेस्ट पे। रेस्ट का मतलब दोनों का मोमेंटम इनिशियली जीरो, जीरो प्लस जीरो। मान लो एक टुकड़ा आगे चला गया m1 v1, तो दूसरे को पीछे आना ही पड़ेगा ताकि नेट आंसर क्या हो जाए, जीरो। पीछे आने का मतलब माइनस, तो अगर इनका प्रोडक्ट 10 है तो इसका प्रोडक्ट भी 10 ही आएगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ताकि नेट आंसर जीरो। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है? ये वैसे ही है जैसे बुलेट आगे जा रहा है तो गन पीछे, सेम है। क्लियर है यहां तक? तो ये रूल समझ में आ रहा है, इसके इसमें भी ऐसे ही रूल चलेगा। अच्छा, एक चीज और, तो जो टुकड़े का मास कम होगा, मान लो आगे के टुकड़े का मास कम है, तो उसकी वेलोसिटी बहुत तेज होगी, क्योंकि मोमेंटम का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मोशन, और मोशन को मेजर करने के दो तरीके होते हैं, मास एंड वेलोसिटी। तो जिसका टुकड़े का मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जिस टुकड़े का मास बड़ा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, लेकिन प्रोडक्ट दोनों का एग्जैक्टली सेम होगा। क्लियर है यहां तक? तो मोमेंटम कंजर्वेशन समझ में आ रहा है क्या है? तो मोमेंटम कंजर्वेशन ये नहीं कहता m1 v1 m2 v2, ना ये बाद में आता है सॉल्व करने के बाद। वो ये कहता है टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन शुड बी सेम। अगर बिफोर जीरो है तो आफ्टर भी जीरो ही होना चाहिए। कोई डाउट इसमें? रूल क्लियर है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट है, अगर बॉम्ब के कितने पार्ट्स हो जाते हैं, तीन। एक बॉम्ब रेस्ट पे पड़ा हुआ है, उसके तीन टुकड़े हो जाते हैं, उनमें से दो टुकड़े तो परपेंडिकुलरली चले जाते हैं, पहला इधर दूसरा इधर, विद द वेलोसिटी ऑफ v1 एंड v2, तो मोमेंटम क्या होगा m1 v1, मोमेंटम क्या होगा m2 v2, तो तीसरा टुकड़ा कहां गया ये बताना है। तीसरा टुकड़ा इनके साथ कभी नहीं जाएगा, तीसरा टुकड़ा एग्जैक्टली यहां आएगा। उसका रीजन, क्योंकि ये इनके, देखो इनिशियली हुआ क्या था, बॉम्ब जब एक्सप्लोड नहीं हुआ था तो टोटल मोमेंटम क्या था, जीरो, तो जीरो ही होगा, तो फाइनल भी क्या होना चाहिए, जीरो। ये टुकड़े ऐसे जाने चाहिए कि तीनों का नेट आंसर मोमेंटम का फिर से क्या आ जाए, जीरो। तो कैसे, पहले दो को सॉल्व करते हैं, इन दोनों, क्योंकि ये m1 v1 मोमेंटम है, मोमेंटम इज अ वेक्टर, तो जो भी आंसर आएगा m1 v1, जो भी आंसर आएगा m2 v2, ये वेक्टर क्वांटिटीज, और वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट कैसे निकलता है, बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां पर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर, जो भी इनका प्रोडक्ट आएगा ये आ गया। तो इन दोनों का नेट मोमेंटम यहां आया, तीसरे पार्टिकल को एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट जाना है, ताकि इन दोनों का मोमेंटम आपस में फिर से क्या हो जाए, कैंसल। करके दिखाता हूं, तो टोटल मोमेंटम देखो यहां पर जीरो था, इन दोनों का नेट मोमेंटम ये आ गया, मैंने लिख लिया, ये रहा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद, तो इसका मोमेंटम एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट आएगा, ताकि मान लो इस पूरे को सॉल्व करके वैल्यू 10 आती है, तो इसकी वैल्यू भी -10 आएगी, ताकि 10 और -10 क्या आ जाए, जीरो। पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व होगा? तो तीन टुकड़ों वाला जो बॉम्ब होगा उसमें दो टुकड़े हमेशा परपेंडिकुलर ही गिवन होते हैं न्यूमेरिकल में, तो इनका जो भी वेक्टर सम होगा तीसरा एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट ही जाएगा। ठीक, और मैथमेटिकल इक्वेशन समझ में आ रही है कि पहले आपने दो का रिजल्टेंट निकालना है, फिर दो के रिजल्टेंट में तीसरे का नेगेटिव लगा के उनको ऐड करके नेट आंसर शुड बी जीरो। ये टर्म इधर आएगी, स्क्वेयरिंग होगा, तो ऐसे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व होगा जो अगली शीट में न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा, और आप ही करके दिखाएंगे कैसे करना है, अभी सिर्फ मेथड है ये। क्लियर यहां तक? ये शीट कोई
थ्योरी नहीं है, आपको इसको याद नहीं करना है इस शीट को, ये मैंने अपने मन से लिखी हुई है कि इस प्रॉब्लम में ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है, ये कोई बुक का पार्ट नहीं है प्लीज। तो अगली शीट में हेल्प करेगी आपको न्यूमेरिकल को इजी करने में, ठीक। जैसे कोलिजन इन 1D, वन डायमेंशन, हम एक चैप्टर करेंगे कोलिजन्स। कोलिजन का चैप्टर सर्कुलर मोशन, पहले आएगा फ्रिक्शन, फिर आएगा सर्कुलर, फिर आएगा एनर्जी एंड वर्क, फिर आएंगे स्प्रिंग, फिर आएगा कोलिजन। ये आपका सिलेबस है, जिन्होंने बोला वर्क एनर्जी पार आ रहा है, तो कम से कम नहीं तो अभी अभी 15-20 दिन और लगेंगे इस चीज़ को कवर करने के लिए। पर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आप देखना कि कोर्स आसान होता जाएगा। उसका रीज़न ये है, एक चैप्टर आएगा कोलिजन्स, कोलिजन का बेसिक्स ये है जो आप करने जा रहे हैं। अगर ये समझ में आता है तो आधी से ज़्यादा कोलिजन्स आपके क्लियर हो जाती हैं आज की आज ही, तो उस टाइम टाइम हमारा कम लगेगा। तो इसके अंदर क्या करना है, कोलिजन का मतलब टक्कर, तो दो बॉल्स की टक्कर के ऊपर एक चैप्टर बनाया गया। दो बॉल्स जब टक्कर, इनकी टक्कर होगी, पहला केस इन इन अलोंग वन एक्सिस ओनली, बॉल्स आ रही हैं, टक्कर हो रही है और सेपरेशन भी इसी एक्सिस पे हो रहा है, बस एक ही एक्सिस पे आना, एक ही एक्सिस पे जाना, इसको बोलते हैं वन डायमेंशन। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, वो पूल टेबल पे देखो, एक बॉल रखी जाती है, दूसरी आती है, टक्कर होती है, एक इधर जा रही है और दूसरी इधर जा रही है, अलग अलग डायरेक्शंस में, तो ये एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही होती है, एक्स वाई प्लेन। तो ये 1D कोलिजन नहीं होती पूल टेबल पे, ये 2D होती है, एक 3D भी होती है, टक्कर हुई, उछल के बॉल बाहर चले गई, हाइट भी अटेन कर गई, वो नहीं करना, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अभी क्या है, सिर्फ 2D है, राइट। तो चाहे कोलिजन 1D हो, चाहे कोलिजन 2 डायमेंशन में हो, चाहे एक्स एक्सिस में हो, चाहे एक्स वाई प्लेन में हो, मोमेंटम ने तो कॉन्स्टेंट होना ही है किसी भी कोलिजन में। मैंने बताया था शुरू में, आज प्रूव भी करके दिखाया रादर, जैसे 1D कोलिजन है, 1D का मतलब कोलिजन इन 1 डायमेंशन। अगर बॉल जा रही है विद U1 एंड U2 आफ्टर कोलिजन V1 V2, तो अब ये हमें एटलीस्ट बाय प्रैक्टिस याद हो चुका है कि टोटल मोमेंटम टक्कर होने से पहले M1 U1 प्लस M2 U2, टोटल मोमेंटम टक्कर होने के बाद विल रिमेन सेम M1 V1 प्लस M2 V2। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, तो ये बताने की जरूरत नहीं है, ये सारे एग्जाम्पल आर एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, तभी तो मोमेंटम को हम क्या करते जा रहे हैं, कंजर्व। कोई डाउट इसमें, तो ये तो क्लियर हो गया। उसी तरीके से अगर कोलिजन 2D में हो, 2 डायमेंशन में हो, तो भी मोमेंटम कांस्टेंट है। अब 2 डायमेंशन में एक्स एक्सिस में अलग और वाई एक्सिस में अलग प्रॉब्लम चलती है, हम क्या करेंगे इसके अंदर, क्योंकि बॉडी 2D में मूव करेगी, ये एग्जाम्पल के साथ ही जो मैंने ये बनाया हुआ है, एक्चुअल में डायग्राम ओरिजिनली ऐसा नहीं है, ओरिजिनली ऐसा है कि मान लो ये मास M1 है और वेलोसिटी U है, सेकेंड मास M2 है, लाइंग एट रेस्ट। तो आप एक काम करो, इस डायग्राम के साथ यहाँ कहीं ये डायग्राम प्लीज जरूर बना लो, इसका इनिशियल डायग्राम है, टक्कर होने के बाद ये डायग्राम है, बिफोर कोलिजन ये डायग्राम है, दिस इज डायग्राम बिफोर कोलिजन, ठीक, कोलिजन से पहले ये डायग्राम है, ठीक ठीक है। तो हुआ क्या, बॉल आई M1, M2 के साथ कोलिजन हुई, एक बॉल इधर चली गई, एक बॉल इधर आ गई, और प्लीज ये वर्टिकल डायग्राम नहीं है, ये टेबल का टॉप व्यू है, ऐसा ना सोचना कि बॉल आ रही है, ये ऊपर कैसे गई, नीचे कैसे, मतलब बॉल ऐसे भी चलती हैं कभी, बॉल ऐसे नहीं चलती, बॉल तो ऐसे है टेबल के ऊपर, हम टॉप से देख रहे हैं टेबल को, ठीक। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक। तो अब सपोज करो ये बॉल आएगी, एक बॉल ऊपर एक नीचे, अलग अलग एंगल्स पे सेपरेट हो जाएंगी। अब मैंने क्या कहा कि किसी भी कोलिजन में टोटल मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट। अब क्योंकि ये टोटल मोमेंटम कांस्टेंट है, मैं एक्स वाई प्लेन में काम कर रहा हूँ, तो मैं स्टेटमेंट दो बार दूंगा, मैं बोलूँगा कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद टोटल मोमेंटम कांस्टेंट है along x axis, उसके बाद collision से पहले collision के बाद total momentum constant है along y axis, क्योंकि x y plane की problem x में अलग करनी होती है, y में अलग करनी होती है, तो इसलिए मैंने लिख दिया total momentum constant है। हम momentum के components लेंगे, एक x में एक y में, तो x axis का momentum अलग constant करके दिखाएंगे, y का अलग करके दिखाएंगे,
तो दो इक्वेशन बनेंगी, यानी कि मोमेंटम कंजर्वेशन की, एक एक्स में एक वाई में। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? कैसे बनानी है वो अब चेक कर लेते हैं। कोलिजन हुई, एक बॉल एम वन इधर गई विद अ वेलोसिटी ऑफ वी वन, कोलिजन हुई एम टू यहां पर आ गया विद अ वेलोसिटी ऑफ वी टू, तो एक वी वन और एक वी टू। तो ये बॉल ने इस एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाया? थीटा वन। और इस बॉल ने कितना एंगल बनाया? थीटा टू। ठीक है यहां तक? तो सेपरेशन थीटा वन थीटा टू। कोई कह रहा था कि सर ये एंगल थीटा ले लेंगे, जो मर्जी ले लो, कॉम्पोनेंट सही बना लेना, बस एंगल का कोई चक्कर नहीं। ठीक है यहां तक? तो इसका मोमेंटम बोलो कितना, बॉल का कितना, एम वन वी वन, और एम वन वी वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज अ मोमेंटम। इसके दो कॉम्पोनेंट होंगे, पहला थीटा वन के साथ एम वन वी वन कॉस थीटा वन, दूसरा एम वन वी वन साइन थीटा वन। ऐसे ही एम टू वी टू के दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, एम टू वी टू कॉस थीटा टू, एम टू वी टू साइन थीटा टू। ये स्टेप्स क्लियर है यहां तक? कॉम्पोनेंट्स क्लियर है? तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर समझ में आया? मैं बोलता था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत काम आएगा, रोज यूज करेंगे, तो आपके सामने रोज यूज हो रहा है अब तो। ठीक, देखो मोमेंटम कांस्टेंट करने जा रहे हैं दो बार, टू डायमेंशन में दो बार क्वेश्चन होगा, एक बार एक्स में और एक बार वाई में। पहले मोमेंटम कांस्टेंट करते हैं एक्स में, तो मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना। पहली चीज, एक्सिस क्या लिया हमने? एक्स। आपने वाई कंपोनेंट्स भूल के भी नहीं देखने, सिर्फ क्या देखना है? एक्स देखना है। करें स्टार्ट। टक्कर से पहले, कोलिजन से पहले एक्स में दोनों बॉल्स का मोमेंटम, कोलिजन के बाद दोनों बॉल्स का एक्स में मोमेंटम विल रिमेन सेम। स्टार्ट करते हैं। कोलिजन से पहले फर्स्ट बॉल का एक्स में मोमेंटम बोलो कितना? एम वन इंटू यू, क्योंकि ये वाई में मूव ही नहीं कर रही थी, ये मूव ही एक्स में कर रही थी, तो एम वन इंटू यू पहली बॉल का मोमेंटम। क्लियर? टक्कर से पहले सेकेंड बॉल का मोमेंटम बोलो जीरो, क्योंकि किस पे पड़ी हुई है? एट रेस्ट, तो ये भी क्लियर है, जीरो। तो टक्कर से पहले मोमेंटम आ गया। अब कोलिजन के बाद, ये डायग्राम रेफर करें, कोलिजन के बाद एक्स एक्सिस में इस बॉल का मोमेंटम कितना? एम वन वी वन कॉस थीटा वन, और इस बॉल का मोमेंटम एक्स में कितना? एम टू वी टू कॉस थीटा टू। तो बोलो फिर फाइनल मोमेंटम एम वन वी वन कॉस थीटा वन प्लस एम टू वी टू कॉस थीटा टू। क्या ये फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है? तो कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद टोटल मोमेंटम कैसे कंजर्व करना है समझ में आ रहा है? ठीक, पहला स्टेप अभी आधा हुआ। अब हम क्या करेंगे? वाई एक्सिस देखें, वाई एक्सिस में क्लियर है, वाई एक्सिस में वापस आ जाओ। टक्कर से पहले, अब इस डायग्राम से शुरू करेंगे फिर से, टक्कर से पहले वाई में मोमेंटम, टक्कर के बाद वाई में मोमेंटम सेम। टक्कर से पहले बोलो इसका वाई में मोमेंटम क्या था? जीरो। क्यों? क्योंकि किस में मूव कर रही थी? ओनली अलोंग वाई में, चल ही नहीं रही थी, तो इसका मोमेंटम जीरो। इसका मोमेंटम तो वैसे ही जीरो, क्योंकि किस पे पड़ी हुई थी? एट रेस्ट, जीरो प्लस जीरो। नेक्स्ट वाई एक्सिस आफ्टर कोलिजन, ये डायग्राम रेफर करें। आफ्टर कोलिजन अगर ये बॉल का मोमेंटम ऊपर की तरफ है एम वन वी वन साइन थीटा वन, तो इस बॉल का मोमेंटम नीचे ही होना पड़ेगा और नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि लेफ्ट साइड क्या है? जीरो। राइट साइड जीरो लाने के लिए एक टर्म पॉजिटिव तो दूसरी टर्म नेगेटिव ही होगी, ताकि इनका आंसर क्या आ जाए? जीरो। और वैसे भी पता लग रहा है कि ये मोमेंटम पॉजिटिव तो डायरेक्शन चेंज होगी, तो ये इसका मोमेंटम नेगेटिव। तो कैसे लगाना है मोमेंटम कंजर्वेशन समझ में आ रहा है? हालांकि ये कोई थ्योरी नहीं, कोई लिखवा के देख नहीं रहा आपसे ये कोई थ्योरी, बट ये कॉन्सेप्ट है। अगर कभी लगाना पड़ जाए किसी न्यूमेरिकल में, ये न्यूमेरिकल भी नहीं है तो मैंने अपने मन से बनाया है, अगर किसी न्यूमेरिकल में लगेगा तो ऐसे लगेगा, जब लगेगा तब की तब देखेंगे। ये इसलिए आज डिस्कस हो रहा है क्योंकि फिर महीने के बाद कंजर्वेशन मोमेंटम कोलिजन में यूज होगा, उस टाइम मैं रेफर कर सकूंगा कि हमने उसमें डिस्कस किया था। वाई एक्सिस में कोलिजन से पहले जीरो, क्योंकि वाई में मूव ही नहीं कर रहा है, तो ये तो वैसे ही जीरो। और इसका मोमेंटम अगर जितना भी है, इसको तो नेगेटिव होना पड़ेगा ताकि इन दोनों का कैंसिल होकर सम क्या जाए? जीरो। ठीक, यहां तक कोई डाउट इसमें? ओम क्लियर है?
मोमेंटम समझ में आ रहा है? ठीक, लास्ट केस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बोट और मैन प्रॉब्लम। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर एक बोट पे मैन रेस्ट पे है तो बोट भी रेस्ट पे है। अगर मैन आगे चलता है तो बोट उसके रिएक्शन में पीछे आती है, बोट हिलती नहीं है, नहीं हिलती, हिलती है। तो अगर आप बोट के ऊपर मूव, फ्रिक्शन कुछ नहीं है, अगर आप बोट के ऊपर आगे मूव करोगे तो बोट पीछे आएगी, बाय रिएक्शन पीछे आएगी। जंप करके देख लो, बोट के कॉर्नर पे खड़े हो जाओ, जोर की जंप करो, देखो बोट पीछे की तरफ जाएगी, पानी में गिरो पीछे जाएगी जरूर, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। आप बन जाओगे बुलेट और बोट बन जाएगी गन, वही आप बुलेट की तरह बाहर जंप करो और गन पीछे आती है तो बोट पीछे आएगी। जब आप चलते हैं तब भी हिलती है बोट, तो एक्चुअल में रूल ये बोलता है कि वो पीछे आती है। स्केट्स हैं, स्केट्स हैं, स्केट के ऊपर आप आगे पैर रखते हो तो स्केट पीछे को नहीं खिसकता, स्लिपरी चीज हमेशा पीछे को जाती है। ठीक है, प्रॉब्लम कैसे आएगी इसको ध्यान से समझना। प्रॉब्लम ये आएगी, मैन का मास आपको गिवन होगा, बोट का मास आपको गिवन होगा, वो कहेगा मैन मूव कर रहा है या मैन ने मूव करना स्टार्ट किया विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो बताओ बोट की वेलोसिटी पीछे जाने की क्या है। बस ये रूल है, वो मैन की वेलोसिटी देगा, बोट की पूछेगा। प्रॉब्लम समझ में आ गई? वैसे तो एक लाइन का काम है ये, एंड में अगर आप फाइनल रिजल्ट देखोगे तो दिख ही रहा है आपको m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। पर ये स्टोरी इतनी सीधी नहीं है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। क्या कैसे कॉम्प्लेक्स है इसको समझते हैं। आपने ये पूरे पेज पे जो भी थ्योरी लिखी हुई है इसके स्टेप अभी के अभी समझने हैं, और बस आपसे लिखवा के कोई नहीं देखेगा आपको। ये मतलब पूरी जो कहानी लिखी मैंने ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। हम एंड में दो फॉर्मूलाज ही याद करेंगे, हमारी काम की सिर्फ वही चीज है। तो मतलब ऐसा ना सोचना कि अब ये पूरी कहानी मुझे सॉल्व करने कुछ नहीं करने को आएगा, ये सब आपके लिए मैंने लिखा कि देखो कैसे चलती हैं चीजें। ठीक, तो सपोज करो, देखो दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे समझ लो, बोट और मैन के अंदर। पहली प्रॉब्लम, मैन चलता है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मैन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी गिवन है कि मैन की वेलोसिटी गिवन है विद रिस्पेक्ट टू बोट, रिलेटिव वेलोसिटी गिवन है। तो आपको ना दो टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, या तो पूछेगा मैन चलता है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10, तो मैन की वेलोसिटी गिवन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एब्सोल्यूट है, या फिर वो कहेगा मैन चलता है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 लेकिन वो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बोट है। तो दोनों में आंसर्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है यहां तक? तो इमेजिन करो फर्स्ट केस कि अगर मैन चलता है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी एम विद रिस्पेक्ट टू पी, यानी कि मैन की वेलोसिटी गिवन है विद रिस्पेक्ट टू बोट, तो बोट पीछे आती है वी बी। करें स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले पहले समझ लेते हैं वी एम बी क्या होता है। वी एम बी होता है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट, और वेक्टर्स के अंदर किया था ये रिलेटिव वेलोसिटी, और रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट वेक्टर।
और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करें, अंडर रूट ऑफ वी एम स्क्वायर वी बी स्क्वायर माइनस टू वी एम वी बी इंटू कॉस ऑफ वी बी, मैन अगर आगे जा रहा है तो बोट पीछे आ रही है, तो एंगल क्या होगा 180, कॉस 180 क्या होता है माइनस वन माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बनता हुआ ये बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट इज वी एम प्लस वी बी। कई लोग कहेंगे ये करने की जरूरत क्या थी, डायरेक्टली बोल दो। मैंने कहा क्या बोलता, अगर मैन आगे जा रहा है बोट पीछे आ रही है तो वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी, जब दो बॉडीज ऑपोजिट जाती हैं वेलोसिटीज ऐड हो जाती हैं रिलेटिव में, सीधा लिख दो चाहे। हालांकि लिखने की नौबत ही नहीं आएगी, मैं आपको शॉर्टकट ऐसा कराऊंगा कि यहां तक तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ये तो आपको समझाने के लिए है। तो अब वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट, यहां तक आ गया, इसको संभाल के रखते हैं। अब रूल क्या लगेगा, रूल वही है, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड वो एम वन वी वन एम टू वी टू लगना ही लगना है, तो मैं डायरेक्टली लगा रहा हूं मैन ने कितना मोमेंटम जनरेट किया जब वो चला, मैन का मास एम वन और इन टू वेलोसिटी ऑफ मैन, रिलेटिव नहीं लेनी होती यहां पे, जब आप एम वन वी वन एम टू वी टू लगाते हो तो यहां पर मैन मैन का मास इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन, बोट का मास इंटू वेलोसिटी ऑफ बोट, तो कुछ नहीं करना एम वन वी वन एम टू वी टू डायरेक्टली। ये इतनी लंबी कहानी क्यों सुनाई, अगर डायरेक्ट इतना आसान रिजल्ट था तो, इसलिए सुनाई कई प्रॉब्लम में आपको ना वेलोसिटी ऑफ एम नहीं गिवन होगी, आपको वेलोसिटी ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू बी गिवन होगी। तो अगर आपको ये टर्म गिवन होगी ये टर्म गिवन होगी तो सबसे पहले माइनस करके क्या निकलेगा वेलोसिटी ऑफ मैन, तब आंसर आएगा, क्लियर। अदरवाइज अगर सीधी वेलोसिटी ऑफ मैन गिवन है फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो एम वन इंटू वी वन एम टू इंटू वी टू, कहानी खत्म, क्लियर यहां तक। एक का और काम करते हैं, चीजों को और आसान कर लेते हैं, इसको ना एक काम करते हैं वी एम की जगह ना ये वैल्यू पुट ही कर लो, ये देखो वी एम की जगह वैल्यू पुट कर ले, इसे ओपन कर लो, ओपन करके वी बी वाली टर्म एक तरफ बाकी टर्म एक तरफ, तो ये टर्म आ गई। तो चेक करो मैंने ऊपर वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो लगाया इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके ये बना दी, तो आपने बीच के ना ऊपर के ना बीच के स्टेप्स देखने भी नहीं, आपने बॉक्स में लिख लेना पॉइंट टू रिमेंबर, अगर तो किसी न्यूमेरिकल में मैन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी गिवन है, रिलेटिव नहीं एब्सोल्यूट, फिर तो चक्कर ही कोई नहीं, फिर तो एम वन वी वन एम टू वी टू केस क्लोज हो जाता है। लेकिन अगर किसी केस में मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बोट गिवन है, फिर ये फॉर्मूला मत यूज करना, फिर ये यूज करना, मैन की मैन का मास इनटू रिलेटिव वेलोसिटी एम वन प्लस एम टू इनटू बोट की वेलोसिटी, फिर ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो दो फॉर्मूले आ गए, अगर तो मैन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी गिवन है फिर ये फॉर्मूला, अगर मैन की रिलेटिव वेलोसिटी गिवन है फिर ये फॉर्मूला, दोनों में से कोई भी एक यूज करेंगे न्यूमेरिकल में, वो न्यूमेरिकल में देखेंगे क्या करना है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। ज्यादातर m1 v1 m2 v2 से काम चल जाता है, लेकिन अगर रिलेटिव गिवन है फिर नीचे वाला यूज कर लेंगे। तो बीच वाली थ्योरी समझाने के लिए आपको याद नहीं करनी, आपको घर जाके कुछ नहीं देखना, सिर्फ इसलिए कि देखो ये फॉर्मूले कहां से आए वो बता रहा हूं, सिर्फ फॉर्मूला ही करना है। कोई डाउट इसमें, ठीक। अब आपने काम करना है, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो हैंड रिटन शीट नंबर 37 का प्रिंट आउट लेंगे, आप लोगों को मिली हुई है 37 शीट अभी दी है। ये खाली ब्लैंक स्पेस क्यों है, आपके लिए है। पहला क्वेश्चन शुरू करो, फर्स्ट क्वेश्चन,
पहला क्वेश्चन कितने लोगों का हो गया? देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन में अ शेल ऑफ मास 30 kg, ये शेल है 30 kg का मास है, मूविंग एट 48 मीटर्स पर सेकेंड एक्सप्लोड हो जाता है। देखो हमने जो क्वेश्चन किया था वो रेस्ट पे पड़ा हुआ बॉम्ब था, तो अगर रेस्ट पे नहीं पड़ा हुआ चलता हुआ बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो हो जाए, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, एक्सप्लोड होने से पहले मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सप्लोड होने के बाद मोमेंटम। एक्सप्लोड होने के बाद क्या होता है, 18 kg का जो पार्ट है वो तो रुक जाता है। आपको बता रहे जो बचा 12 किलो है, 30 में से 18 गया तो 12, उसकी वेलोसिटी बतानी है क्या है। तो एक्सप्लोजन से पहले मोमेंटम कितना है 30 × 48, एक्सप्लोजन के बाद कितना है 18 × 0, ये तो रेस्ट पे है, एंड 12 × कितना वी, तो यहां से वी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें इक्वेशन में? ठीक यहां तक ठीक है। नेक्स्ट चेक करो, ठीक है यहां तक। देखो नेक्स्ट है, अ न्यूट्रॉन हैविंग अ मास ऑफ, मास गिवन है 1.67 × 10^2 कितना -27 kg, बस यार न्यूट्रॉन का मास गिवन है, मूविंग एट 10^8 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड विद ड्यूट्रॉन जिसका, और ड्यूट्रॉन किस पे पड़ा हुआ है एट रेस्ट, और जिसका मास गिवन है इसमें 3.34 × 10^-27 kg। फाइंड स्पीड ऑफ कॉम्बिनेशन, और ये स्टिक हो जाता है, चिपक जाते हैं, ये चिपक के इकट्ठे चलते हैं, तो होता क्या है जब इनकी कोलिजन होती है न्यूट्रॉन एंड ड्यूट्रॉन जिसका मास क्या है m1 + m2, ये थोड़ी देर के बाद स्टिक होने के बाद कॉमन वेलोसिटी से आगे चल पड़ते हैं। यू हैव टू कैलकुलेट द कॉमन वेलोसिटी, तो क्योंकि चाहे ये स्टिक हो कांटेक्ट में आ गए, इसको भी कोलिजन का ही पार्ट माना जाता है कि इनकी पहले टक्कर हुई, बस टक्कर के बाद सेपरेशन नहीं हुई, अदरवाइज तो कोलिजन तो हो ही गई। तो टक्कर से पहले जो मोमेंटम होगा कितना होगा, 1.67 × 10^-27 × कितना 10^8, इसका मोमेंटम क्या हो गया, जीरो, रेस्ट पे है, और फाइनल मोमेंटम दोनों का मास ये रहा +3.34 × 10^-27 × कॉमन वेलोसिटी, बस सॉल्व करके फाइंड कॉमन वेलोसिटी। तो पहले इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम इज इक्वल टू इसका मोमेंटम। पॉइंट समझ में आ रहा है हाउ टू कैलकुलेट कॉमन वेलोसिटी, कैलकुलेशन वाइज है, अदरवाइज तो ठीक है। क्वेश्चन देखा, ठीक है कर लो। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोगों का हो गया, ये आ गया आंसर, अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है ना बाउंस बैक तो मोमेंटम नेगेटिव लेना है, मोमेंटम इज अ वेक्टर ना, अगर राइट के मोमेंटम पॉजिटिव ले रहे हो और अगर कोई बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज करती है बाउंस बैक तो मोमेंटम नेगेटिव लेना पड़ता है।
देखो क्वेश्चन है, अ कार, अ कार जिसका मास 1000 केजी इज मूविंग विद 32 मीटर्स पर सेकेंड एंड डैशेज इनटू द रियर ऑफ अ ट्रक, ट्रक 8000 केजी, और ये ट्रक किस पे सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल सिचुएशन क्लियर है, कार ट्रक को हिट करेगी। फाइनली क्या होता है, फाइनली आफ्टर कोलिजन कार बाउंस बैक, पीछे की तरफ मूव करती है विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है जो ट्रक है उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है यहां तक, तो स्टार्ट करते हैं। टक्कर होने से पहले टोटल मोमेंटम, टक्कर होने के बाद टोटल मोमेंटम दोनों बॉडीज का सेम। तो बोलो टक्कर से पहले मोमेंटम कार का 1000 इंटू 32, ट्रक का 8000 इंटू 4, आफ्टर कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन में ध्यान रखना, अगर यहां के मोमेंटम्स की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो यहां के मोमेंटम की डायरेक्शन नेगेटिव है। तो फाइनल मोमेंटम कार का माइनस 1000 इंटू 8 एंड ट्रक का 8000 इंटू वी। कई लोग कहेंगे ट्रक तो पीछे जाएगा आगे जाएगा, जिस भी चीज की वेलोसिटी निकालनी है उसकी डायरेक्शन को बिल्कुल भी आपने जज नहीं करना, आपने वी टू पुट कर देना है, वी पुट कर देना है, कोई माइनस नहीं, कोई कुछ नहीं, बस प्लस के साथ करना है। वी ऑटोमेटिकली विद माइनस प्लस आएगा। अगर तो वी का आंसर माइनस में आ गया यानी कि ट्रक ने भी डायरेक्शन बाउंस बैक की, और अगर पॉजिटिव आया तो ट्रक सेम डायरेक्शन में ही जाएगा। क्लियर है? तो इसके बारे में डायरेक्शन में कोई कमेंट नहीं करना, या एज इट इज कर देना है। इसका मालूम है तो इसका माइनस में पुट करना है, कोई डाउट इसमें? तो कार की डायरेक्शन नेगेटिव है, ट्रक के लिए एम टू वी टू, एम इन टू वी, दैट्स इट। वी में कोई नेगेटिव नहीं पुट करना आपने। ठीक है यहां तक, नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसका ये क्वेश्चन तो ठीक हो गया ना? और बोलो बोलो, ठीक है, कितने लोगों का नेक्स्ट आंसर आ गया, कितने लोगों को समझ में आ गया कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी थ्योरी में अभी डिस्कस किया था ना, तीन पार्टिकल वाला। मैं इसको ना दो तरीके से करके दिखाता हूं, आपको जो पसंद है आप कर सकते हो। देखो, ध्यान से देखो, अ बॉडी जिसका मास 1 kg एट रेस्ट, तो एक बॉडी यहां ये, अच्छा ठीक है, तो ऐसे कर, ये तो मैंने किया हुआ है यहां तक सॉल्व, तो 1 kg की बॉडी है और उसके तीन हिस्से होने वाले हैं और रेशियो क्या है 1:1:3, तो मास फर्स्ट का क्या निकलेगा 1 / 1 + 1 + 3 × 1 kg, ऐसी तीनों मास निकल गए। फिर इस क्वेश्चन में हम ऐसा डायग्राम बना सकते हैं कि एक पार्टिकल इधर गया, इस तरफ गया और 0.2 kg का, और विद अ वेलोसिटी ऑफ कितना गिवन है 30 m/s, और दूसरा 0.2 kg का गया विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 m/s, तो एक पार्टिकल यहां गया एक पार्टिकल यहां गया, तो मोमेंटम्स आ गए। तीसरे पार्टिकल को, और 90 डिग्री पे सेपरेशन है, तीसरे पार्टिकल को कहां जाना है, इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट होगा, बोलो क्या रिजल्टेंट होगा, 30 × 0.2 + 30 × 0.2 square (mv, m1, v1 square + m2, v2 square) का अंडर रूट, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा लिया। तीसरे को एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट जाना पड़ेगा ताकि नेट मोमेंटम क्या हो जाए, जीरो, आज हमने क्लास में किया था। तो तीसरा पार्टिकल का मास है क्या 0.6 kg और वेलोसिटी v, तो मैंने ऐसे करवाया था, इनिशियली बॉम्ब किस पे था, रेस्ट पे, इसने कितना मोमेंटम जनरेट किया 30 × 0.2 2 कर दूं, दो बार ऐड क्या करना, इंटू टू एक ही बात है, और इसका मोमेंटम क्या होगा -0.6 × v, ताकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्म आपस में कैंसिल होकर आंसर क्या दे, जीरो, तो यहां से v कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये स्टेप क्लियर है? अभी कर रहा हूं, पहले मैंने बोला दो मेथड है, पहला मेथड क्लियर हो गया जी, पहला मेथड क्लियर है, तो ये तो हमने, मैंने लिख के भी दिया, और दूसरा मेथड ये सही बोल रहा है, हम कंपोनेंट्स लगा सकते हैं, जैसे मैंने डायग्राम बनाया ही था, इसमें यहां से नजर आ ही रहा है कि दो पार्टिकल 45 डिग्री पे सेपरेट हो गए, ठीक, मिटा दूं इसे। तो ऐसा अगर जिनको नहीं करना, एक और आसान तरीका भी है, जैसे ये रहा, एक पार्टिकल 0.2 केजी का 30 m/s से गया, दूसरा पार्टिकल 0.2 केजी का 30 m/s से गया, और लेट अस सपोज ये एंगल कितना है 45 डिग्री और ये कितना है 45 डिग्री, तो तीसरा पार्टिकल को इधर जाना ही पड़ेगा 0.6 केजी का विद अ वेलोसिटी ऑफ वी। रीजन, क्योंकि इन दोनों का नेट मोमेंटम इधर आएगा, इसका नेट मोमेंटम जीरो करने के लिए इसको इधर जाना पड़ेगा ताकि नेट मोमेंटम आपस में कैंसिल हो जाए, तो इसको करने के लिए काम करते हैं। तो आप इसका मोमेंटम है कितना 0.2 × 30 cos of 45, सिमिलरली 0.2 × 30 momentum × sin of 45, ऐसे इसके लिए 0.2 × 30 cos of 45, उसी तरीके से 0.2 × 30 sin of 45। अब साफ पता लग रहा है कि y एक्सिस का मोमेंटम तो आपस में हो गया कैंसिल, ये वेक्टर एग्जैक्टली इसके इक्वल है, तो नेट मोमेंटम क्या आ गया जीरो, तो y का मोमेंटम तो जीरो ही है। x का मोमेंटम जीरो करने के लिए राइट का मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट का मोमेंटम, इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए ताकि नेट वेक्टर क्या आ जाए जीरो, क्योंकि ऊपर का वेक्टर नीचे के वेक्टर के इक्वल होगा, लेफ्ट का राइट के इक्वल होगा, तो नेट मोमेंटम हर तरफ से जीरो, और बॉम्ब का इनिशियल मोमेंटम भी क्या था जीरो। तो ये भी आसान है, इसको इसके इक्वल कर दो, इन दोनों को ऐड करो, इसके इक्वल करो, एक ही बात है। वो मेथड भी ठीक है, ये मेथड भी ठीक है, जो पसंद है उससे कर सकते हो। पॉइंट क्लियर है यहां तक? और कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? आ गया, पढ़ लिया, पढ़ लो एक बार प्लीज।
क्वेश्चन है, एक डिस्क है जिसका मास गिवन है 10 ग्राम, इज केप्ट हॉरिजॉन्टली फ्लोटिंग, हवा में ऐसी हॉरिजॉन्टल पड़ी है, क्यों? क्योंकि नीचे से आप मार्बल्स फेंक रहे हो, ऊपर गया मार्बल, टकराया और नीचे आ गया, और एक सेकेंड में कितने मार्बल्स गिर रहे हो? 10, ये लो, ठीक। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि, और मार्बल का मास स्मॉल m है, तो स्मॉल m भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो कि कितना है? 5 ग्राम। तो जब एक मार्बल गया तो उसका मोमेंटम कितना है? mv। टक्कर हुई, वापस का मोमेंटम भी कितना है? mv। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है? 2 mv। बताया था मैंने, टक्कर होने के बाद जब बॉल वापस आती है, मार्बल वापस आता है, mv माइनस माइनस mv 2 mv। तो एक मार्बल का चेंज इन मोमेंटम 2 mv, एक सेकेंड में कितने मार्बल गए? 10 मार्बल गए, तो टोटल 10 मार्बल का चेंज इन मोमेंटम 10 × 2 mv। और अगर चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर दे 1 सेकेंड, मोमेंटम बाय टाइम क्या होता है? फोर्स, एफ इज डीपी बाय डीटी, तो ये फोर्स आ गई, तो 10 मार्बल ने 1 सेकेंड में इतनी फोर्स लगाई। इस फोर्स ने क्या किया? इस फोर्स ने इस डिस्क के वेट को क्या कर लिया? बैलेंस कर लिया। तो डिस्क का वेट mg है, डिस्क का जो वेट है वो मार्बल के जो टोटल फोर्स ने बैलेंस किया, और कैसे निकाला? टोटल चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, और एक सेकेंड में 10 मार्बल है तो टाइम कितना लेना है? 1 सेकेंड। तो आपको मास पता है मार्बल का, आपको डिस्क का मास पता है, वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड। यही किया हुआ है, चेंज इन मोमेंटम ईच मार्बल ये रहा, 10 मार्बल का ये रहा, इसको टाइम से डिवाइड कर दिया तो टाइम कितना है? 1 सेकेंड। इसको एक सेकेंड दिख नहीं रहा इसमें, तो फोर्स आ गई, फोर्स डिस्क के वेट को क्या करती है? बैलेंस, तो वी कैन बी कैलकुलेटेड। ये स्टेप समझ में आया कैसे हुआ? कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट समझ में आया, कैसे यूज होगा? ये बीच बीच में यूज होता रहेगा और इसको यूज करते भी रहेंगे, तो आप इस लेक्चर को रेफर कर पाओगे। एक टॉपिक रह गया इसके ऊपर, रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट उड़ता कैसे है? अभी जो रॉकेट ऊपर गया उसका क्या प्रिंसिपल था, वो कैसे ऊपर जा रहा है, ये नेक्स्ट टाइम करना है हमने, रॉकेट प्रोपल्शन। अभी तक क्लियर है?